आज हम शेमुषि प्रथमो भाग नवम कक्षा पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है सिकता सेतु, बालू का पुल, कथा सरित सागरता से, ये नाटक है और पाठ है नवम। तो जैसे कि आपको मालूम, इसके पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ इसके कुछ अनुवादों को, आज उसी के और अनुवादों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है पुरुषः भोस्त तपस्विनः कथम माम अवरोधम करोषि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। का आवश्यकता शिलानाम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, यानी जो संकल्प है वो कैसा है, दृढ़ता है। अब यहाँ तपोदत्तः क्या कहता है, आश्चर्यम किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यामि। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि जो बालू से भी मतलब सेतु माने पुल बनाया जा सकता है। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंततम ना वा। अब यहाँ पर जो तपोदत्ता है वो कह रहा है कि जल प्रवाह मैंने यदि आप बालू का पुल बनाएंगे तो जो जल प्रवाह में वो स्थायी रह पाएगा, बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है। सो प्रासम चिंततम चिंततम विचार विच सम्यक चिंततम ना हम सोपान सहायतया अधिरोढुं विश्वस्मि समुत्लुप्य यैव गन्तुं क्षमो अस्मि। अब यहाँ तपोदत्तः का सा व्यंग्यम, बड़े थोड़ा व्यंग के साथ साधु साधु, ठीक है। अंजनेय मप्यति क्रामसि, यानी अंजनी के पुत्र कौन है, हनुमान जी। पुरुषः सा विमर्शम, आप थोड़ा विचार करके देखिए। कोत्र संदेह किंच बिना लिप्य छर ज्ञानम तपो भी रेव केवलम यदि विद्यावशेयस्तु सेतु रेशा तथा मम। कि ये कह रहे हैं कि बिना लिप्य यानी बिना अक्षर ज्ञान के क्या हो सकता है, जब आप ज्ञान हो सकता है तो क्या मतलब जो बालू का रेत बनाना पुल है तो क्या वो स्थाई हो सकता है, ऐसा आगे हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अब थोड़ा यहाँ अनुवाद देखिए, यदि विद्या लिप्य छर ज्ञानम बिना केवलम तपो भी एव ते वशेष्यु तथा एषः सेतु मम स्यात्। थोड़ा शब्दार्थ समझते हैं। अवरोधनम करोषि रोकते हो, सिद्धम यानी पूरा सफल सफलम स्वसंकल्प दृढ़तया होता है अपने दृढ़ संकल्प से, निज दृढ़ संकल्पेन स्थास्यन्ति ठहरेगी स्थरी भविष्यति भवता आपके द्वारा अपने त्वया। सोत्प्रासम यानी चुटकी लेते या खिल्ली उड़ाते हुए उपहास पूर्वकम, सोपान सहायता यानी सीढ़ी की सहायता से, श्रेणी मा गई अधिरोढ़ुं चढ़ने में उपरि गंतुम समुत्लुप्यत्य यानी उछल कर या उत्पत्य साधु बहुत अच्छा उत्तम। अंजनेयम यानी अंजनी पुत्र कौन है, हनुमान को यानी हनुमंतम। अतिक्रमासी अतिक्रमण करते हो, यहाँ पर देखो या बढ़ के अतिक्रमण करोसी। सर्वी साविमर्शम यानी जब हम किसी चीज को सोच विचार करते हैं यानी विचार सहितम, सिहु हो जाएगी यानी भविष्यति, ते यानी तुम्हारे और तब। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको इसका संस्कृत में बताया कि जो अनुवाद जो है थोड़ा हिंदी का, जो पुरुष है वो कहता अरे तपस्वी क्यों मुझे रोकते हो, प्रयास करने से कौन सा काम पूरा नहीं होता, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त क्या कहता है, आश्चर्य है क्या बालू से ही पुल का निर्माण करोगे, बालू पानी के बहाव में ठहरेगी क्या, आपने सोचा नहीं है क्या। पुरुष क्या कहता है,
व्यंग, स्वव्यंग यानी चुटकी लेते हुए, सोचा है अच्छी तरह सोचा है, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, उछल कर ही वहां जाने में सक्षम हूं। तपोदर क्या कहता है? बड़ा व्यंग पूर्वक, बहुत अच्छे स्वव्यंग यानी अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़ के हो गए आप तो। पुरुष क्या कहता है? सोच विचार करके इसमें संदेह क्या है, क्योंकि बिना लिपि और बिना अक्षर ज्ञान के जिस प्रकार केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो जाती है, ऐसा क्या होता है कि हमको कोई अक्षर ज्ञान ना हो, कोई ज्ञान ना हो और हमें अपने आप में क्या आ जाए, विद्या आ जाए? ऐसा नहीं होता। तो जिस प्रकार ऐसा वो बोल रहे हैं कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के यदि तुमने तपस्या कर ली और तुम्हारे पास क्या आ गई, विद्या तुम्हारे वश में, उसी प्रकार मेरा यह जो पुल है बालू से बन जाएगा, जैसा आपका काम हो जाएगा वैसा मेरा भी काम हो जाएगा। आप यहां देखिए जो तपोदत्त है वो क्या बोलता है, सवै लक्ष्यम आत्मगतम अये मामेव बोधिष्य भद्र पुरुषो अयम अधिक शिक्तवती नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम वाक्तुम अभिलाषामि तदीयं भगवत्या शारदाया अवमानना गुरुग्रहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते प्रकाशं भो नरोत्तमः नाहं जाने यत् कोऽस्ति भवान् परन्तु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगलं तपोमात्रं मात्रेण विद्या मा विद्यां वाप्तुं प्रयतमानः अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि सा प्रणामं गच्छति। चलिए अब इसके थोड़ा सा हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सवै लक्ष्मण ने लज्जा पूर्वक सज्जलम आत्मगतम अपने मन ही मन में स्वामनसी भद्र पुरुषा सज्जन यानी सज्जना अधीक्षिपति अधीक्षिपति यानी आक्षेप ताना लगा रहा है आक्षेपम करोति नूनम निश्चिति निश्चयेन वैदुष्यम विद्धता यानी विद्वस्तम आवाप्तुम प्राप्त करना प्राप्तुम अभिलाषामी चाहता हूँ इच्छामी भगवत्या देवी का देव्या पुरुषार्थई परिश्रम से परिश्रमेण उन्मीलितम खोल दी या उद्घाटितम युगलम जोड़ा या युग्मम। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अब इसका देखिए थोड़ा अनुवाद। अनुवाद क्या आएगा? तपोदत लज्जा पूर्वक अपने मन ही मन में, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह सज्जन आक्षेप यानी ताना कर रहे हैं, निश्चित ही इसमें सच्चाई देख रहा हूं। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूं, यह तो देवी सरस्वती का क्या है, अपमान है। गुरुकुल जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। जब व्यक्ति परिश्रम करता है तभी उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होता है, बिना परिश्रम के लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। प्रकट में अरे श्रेष्ठ पुरुष मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई हैं। क्या बोलता है वो श्रेष्ठ पुरुष? मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी क्या कर दी हैं, आंखें खोल दी। आंखें खोल देना मतलब हमको ये ज्ञात करा दिया है कि हम गलत हैं। केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं।
मैं क्या कर रहा हूँ, केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। इसलिए अब विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जा रहा है, कर विद्या अध्ययन यानी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में ही जा रहा हूं। इस प्रकार उसको ये ज्ञात हो जाता है कि ये सब मेरे लिए कहाँ जा रहा है, और जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि तपस्या से ही नहीं आ सकता, तो वो कहाँ जाता है विद्या अध्ययन के लिए, वह अपने गुरुकुल चला जाता है। इस प्रकार वो प्रणाम करके क्या होता है, चला जाता है। इस प्रकार मैंने आपको पाठ का जो अनुवाद है उसको समझाया, पढ़ाया, आप लोग उसको कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे।